ओला जी भी हमारे साथ है। ओला जी लगातार इस तरह का जो मूवमेंट है, आपने भी अपने लाइफ में पॉलिटिकल करियर में पहली बार नोटिस किया होगा, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, बड़े बड़े नेताओं को घसीट कर पुलिस ले गई, लॉकअप में डाल दिया। केंद्र सरकार के रूप में देश में आज एक व्यक्ति राहुल गांधी है जो खुल के मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी कमियों को उजागर कर रहे हैं और विपक्ष की जो मैती भूमिका है उसको निभा रहे हैं। हम विपक्ष में हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि हम जनता की बातें उठाएं। उनसे कुंठित हो गए मोदी जी ने ये लोकतांत्रिक कदम उठाया है राहुल जी के खिलाफ, न केवल राहुल जी के खिलाफ बल्कि हमारे सारे नेताओं के खिलाफ किसी न किसी तरह से वो ईडी सीबीआई और जो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र को एक तरह से ताला लगा दिया गया है। पहले भी इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, इंदिरा जी को जब गिरफ्तार किया तब लाखों लोगों जेल में गए, पर ऐसा दमनकारी कदम कभी नहीं उठाया गया। ये सरकार इंदिरा जी के पोते को डराना चाहती है, वो उस परिवार से आते हैं जो संघर्ष के लिए डरेंगे नहीं। आप देखिए एआईसीसी के कर्मचारियों को नहीं जाने दिया ऑफिस में, नियत थे जो हमारे नेता हैं वो कोई आतंकवादी नहीं है, उनको भी उनका कर्तव्य जो हम सत्याग्रह कर रहे हैं, जो गांधी जी को हमका हथियार दिया हुआ है उसको भी उसका भी हमको उपयोग नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह की ये दमनकारी कार्रवाइयाँ ये एक तरह से फासिस्टवादी सोच का परिणाम है और कांग्रेस इससे डरेगी नहीं। कांग्रेस नहीं कि और कांग्रेस जन बल्कि देश का आम नागरिक, किसान, मजदूर, सब छोटे व्यापारी आप आने वाले समय में देखेंगे सब राहुल गांधी के पीछे खड़े मिलेंगे।